राजनीति का दूसरा नाम है उतार चढ़ाव। हर व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ता है। इसमें व्यक्ति के समक्ष तीन चीजें आती हैं, पद, मद और कद। पद और मद स्थायी नहीं होते, लेकिन कद स्थायी होता है। राजनीति में यदि किसी को पद का मद आ जाए तो फिर उसका कद कम हो जाता है, और आजकल लोगों को पद का मद आ ही जाता है। लेकिन मदन जी को मैं जानती हूं, उनमें पद का मद नहीं आएगा। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का। राजनीति के का दूसरा नाम जो है ना, वो है उतार चढ़ाव। महाराज, हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है, पर हर व्यक्ति के समक्ष जब इस चीजों के बारे में सोचता है तो तीन चीज ध्यान में आने की जरूरत है। महाराज, ये तीन चीज का बना होता है, पद, मद और कद। ये तीन चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आज के दौर में ये होता रहता है, परंतु मैं जानती हूं कि वो आपके सामने आज एक ऐसे कार्यकर्ता है जो कभी पद का मद नहीं करेगा और आप लोगों को सराखों पे लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। राजे ने कहा कि मेरी नजर में सबसे बड़ा पद है जनता की चाहत, जनता का प्यार और जनता का विश्वास। ये ऐसा पद है जिसको कोई किसी से नहीं छीन सकता। मेरे ध्यान में सबसे बड़ा पद जो है वो है जनता की चाहत, वो है जनता का प्यार, वो है जनता का विश्वास, और ये ऐसा पद है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आप जनता के साथ लगोगे, अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलोगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये पद पर आप काबिल रहोगे, आप रहोगे वहां, परंतु इस पद के मद को अपने को नहीं लाने की जरूरत है और कद अपने आप आपके पास आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मदन राठौड़ जैसे संगठन के कर्मठ, समर्पित, सेवाभावी, संस्कारी, सरल, निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ता को देश के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान भाजपा की कमान सौंपी है। मदन जी पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की थीम पर सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। श्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ साथ पूरे केंद्रीय नेतृत्व को मैं आभार देना चाहती हूँ कि मदन जी जैसे संगठन के एक कर्मठ, सेवाभावी, संस्कारी और सरल ईमानदार कार्यकर्ता को देश के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान की भाजपा की कमान सौंपने का काम उन्होंने किया। मुझे मदन जी पर भरोसा है, और आपने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री जी का मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये जो थीम है ये मदन जी के हाथ में सौंपने का काम उन्होंने किया है। मैं विश्वास करती हूँ कि ये थीम को आगे बढ़ाने का काम वो करेंगे और सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम ये बहुत मुश्किल काम है और बहुत सारे लोग फेल भी हुए हैं, परंतु मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मुझे विश्वास है कि इसका आपको आप पूरी तरह से लगकर जमीन पे लाने की कोशिश ही नहीं, परंतु अच्छी तरह से अपना दायित्व निभाने का काम करेंगे। मदन जी का कार्यकाल सफल बनाने के लिए सब एकजुट, एक गुट और एक मुख होकर काम करें। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब कटारिया और सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर को भी मैं शुभकामनाएं देती हूं। आज उनकी काबिलियत की वजह से ही उन्हें ये दायित्व मिले हैं। इस मंच के माध्यम से आज याद दिलाना चाहूंगी और आपके द्वारा मैं पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक आदरणीय गुलाब जी कटारिया और सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम जी माथुर, इनको भी
हम सब की शुभकामनाएं मैं प्रेषित करना चाहूंगी जिनकी काबिलियत की वजह से उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है।